नमस्कार। लोग कहते हैं सर हमें लाइफ में बहुत पछतावा होता, बहुत दुख होता है, बहुत डर लगता है, अनसिक्योर की भावना पैदा होती है और ओवर थिंकिंग दिमाग में रहती है। लाइफ में पछतावा रहता है, लाइफ में दुख रहता है, लाइफ में डर रहता है, लाइफ में ओवर थिंकिंग रहती है, तरह तरह के विचार आते हैं। एक बात नोट करना आप, ये सब विचार किसको आते हैं? जो फ्री बैठे रहते हैं। अगर आपको पछतावा, दुख, डर और ओवर थिंकिंग से बचना है ना, तो सिर्फ एक कार्य कर लेना, अपने आप को इतना व्यस्त कर लेना कि आपको पछतावा, दुख, डर और ओवर थिंकिंग के बारे में समय ना मिले। यह सब चीजें किसके पास आती है पता है आपको? जिसके पास टाइम होता है, जो इंसान फ्री बैठा रहता है, काम होता है तो थोड़ा बहुत काम होता है, दो तीन घंटे का काम हो गया ना, अब वो फ्री बैठा है, फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा? पछतावा करेगा अपनी लाइफ के बारे में, अरे यार मैं ऐसा करता तो ठीक रहता, वैसा करता तो ठीक रहता, या फिर दुख पैदा करेगा, अरे यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, या डर पैदा होगा या ओवर थिंकिंग की भावना पैदा होगी। ये सब कैसे होती? जब आप फ्री होते हो, अपने आप को इतना बिजी कर लो कि कहां जा रहे हो, कहां आ रहे हो, कहां दिन निकल रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने एम के प्रति इतने जुनूनी हो जाए ना कि ये दुख क्या होता है, ये पछतावा क्या होता है, ये डर क्या होता है और ये ओवरथिंकिंग क्या होती है, आपको खुद को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो अपने लक्ष्य के प्रति जुनून पैदा कर चुके हो। वो जुनून आपको ये सब सोचने का टाइम नहीं देगा। अगर आप भी इन सब चीजों से ग्रसित रहते हो, इन सब चीजों का मन में भरा रहता है, तो आपको भी अपने आप को इतना व्यस्त कर लेना कि इन चीजों के लिए टाइम ना मिले। वरना तो क्या है, आप फ्री बैठे रहोगे, आपके पास छोटा मोटा काम होगा, तो आप पछतावा करोगे, आप दुख पैदा करोगे, आप डरोगे। अपने आप को लाइफ में बिजी करो। कहते हैं ना कि बड़े बड़े लोग 16-16, 17-17 घंटे काम करते हैं, यहां तक कि नरेंद्र मोदी 17 घंटे वर्क करते हैं अपनी लाइफ में। अभी 70 इयर्स की उनकी एज हो गई है, फिर भी वो 17 घंटे वर्क कर रहे हैं। और आप युवा होकर क्या करते हो? 8 घंटे का काम करते हो और घर पे आ जाते हो, रेस्ट करते हो, आराम करते हो। उस रेस्ट और आराम में कहीं ना कहीं आपका दिमाग वहां जाता है, पछतावे में जाता है, दुख में जाता है, डर में जाता है और ओवरथिंकिंग में जाता है। यह सब तो होना ही है जब आप करोगे तो। इसलिए अपने आप को इतना बिजी कर लो, इतनी मेहनत करो कि बिस्तर पे जाते ही आपकी कब आंख लगे आपको पता ही ना चले। तब तो आपको यह कभी सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो महान लोग हुए उनके जीव नहीं पढ़ लेना, वो लास्ट समय तक काम करते रहे और जो नॉर्मल वर्क करते थे उनसे 4 या 5 घंटे ज्यादा वर्क करते रहे। उन्होंने हमेशा अपने आप को बिजी रखा, कभी भी उन्होंने अपने आप को फ्री नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम फ्री बैठे रहेंगे तो हमारा दिमाग कहीं और जाए। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का होता, और हम फ्री बैठेंगे तो हमारा दिमाग में शैतान पैदा हो जाएगा, इसलिए वो कभी फ्री नहीं बैठे। अगर आपको भी इन सब चीजों से निकलना है, दुख से निकलना है, पछतावे से निकलना है, डर से निकलना है, तो कभी फ्री ना बैठे। अपने आप को इतना व्यस्त कर ले कि इन चीजों को बारे में आपको सोचने का टाइम ना मिले।